यहाँ पर आगे की बात करते हैं। वहां से हमें ये पता है कल इंग्लैंड यूएसए में डिसाइड हो जाएगा नेट रन रेट कि इंग्लैंड का नेट रन रेट कितना होता है। राइट, मोस्ट प्रोबेबली होने यही वाला है कि वेस्ट इंडीज पहले पे खत्म करेगी, इंग्लैंड दूसरे पे, या फिर साउथ अफ्रीका पहले पे खत्म करेगी, इंग्लैंड दूसरे पे। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में से एक टीम हो जाएगी नॉकआउट। दोनों तो अब मुश्किल आ पाए, या तो वेस्ट इंडीज आएगी साउथ, बिकॉज उनका आपस में मैच है। जो भी वो मैच जीतेगा शायद वो ही टीम आगे आएगी। साउथ अफ्रीका जीत गई तो वो तो 100% आगे है। अगर वेस्ट इंडीज जीत गई, था बोलिए, अगर यूएसए ने कुछ कर दिया तो दोनों भी चली जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर यूएसए वो अलग बात है, लेकिन वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में से लग रहा है कि एक ही आएगी, तो आइदर टॉप पे रहेगी वेस्ट इंडीज या फिर साउथ अफ्रीका, और सेकंड पे रहेगी आपकी इंग्लैंड। यहां से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया जीत जाती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अब 24 तारीख को, तो इंडिया टॉप कर जाएगी टेबल। तो वहां पर इंडिया को खेलना पड़ जाएगा इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल, अगर इंग्लैंड सेकंड पे फिनिश करती है। ये ग्रुप 8 में हमारा सुपर 1 देख लीजिए, ग्रुप 1 को देख लीजिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया की नेट रन रेट बहुत हेल्दी है, +2.42, और क्वालिफाई कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक मैच खेला है, 2.47 है, इनकी भी नेट रन रेट हेल्दी है। ऑस्ट्रेलिया को पांडे जी बोल रहे हैं अफगानिस्तान हरा देगी, मुझे नहीं पता कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि इंडिया पहले पे खत्म करेगी। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो पहले पे ही करना चाहिए, हाँ पहले पे खत्म करेगी। और इंडिया अगर पहले पे खत्म करेगी तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ग्रुप की टीम जो सेकंड पे आ रही है ना, जिसके साथ हमने सेमीफाइनल खेलना है, वो होगी इंग्लैंड, वो होगी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वर्सेज इंडिया सेमीफाइनल लोडिंग। पहले तो मुझे ये बता दो भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल में आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हो कि इंडिया वो मैच जीत ही रही है? वर्सेस इंग्लैंड, वर्सेस इंग्लैंड। एक बार ग्रुप 2 भी दिखा दीजिए, ग्रुप 2 भी दिखा दीजिए, बिकॉज इसमें मैं आपको समझा देता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंग्लैंड नंबर 2 पे आने वाली है। बिकॉज अगर आप ग्रुप 2 देखेंगे सुपर 8 का, तो वहां पर साउथ अफ्रीका, फिर इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज, और फिर वहां पर है यूएसए। अब कल है इंग्लैंड वर्सेज यूएसए। इंग्लैंड की नेट रन रेट होनी चाहिए अप, बेटा ग्रुप 2 दिखा दो, इंग्लैंड की नेट रन रेट होनी चाहिए आप, और उसके बाद आप वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, अगर वहां पे भी देखोगे, सुबह दिखाया था यार ग्रुप 2 रेडी तो था। अगर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को अगर आप देखेंगे तो उनका जो मैच है उनमें से जो जीतेगा वो ही आगे जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली चलिए इंडिया इंग्लैंड पे रहते हैं सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल। अब तो तस्वीर साफ होती जा रही है, अगर इंडिया 1 पे फिनिश करता है तो वेस्ट इंडीज आज ऊपर आया है। वेस्ट इंडीज क्योंकि जीत गया यूएसए से, काफी हेल्दी मार्जिन से जीत गया है, तो वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे आ गया था। इंग्लैंड को कल देखना है, इंग्लैंड वर्सेज यूएसए मैच में इंग्लैंड को भारी मार्जिन से जीतना है, ताकि उनकी नेट रन रेट इतनी अच्छी हो जाए कि वो टेंशन में ना रहे, है ना। लेकिन वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका से तो वेस्ट इंडीज का भी और साउथ अफ्रीका का भी फ्यूचर डिसाइड होगा। चलिए वापस उसी पे आता हूं। पहले इंडिया अगर अपना ग्रुप टॉप करता है, लेट्स अस्यूम कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराता है, इंडिया इंग्लैंड में कौन जीत रहा है? इंडिया, नो टू थॉट्स। इंडिया जिस कंडीशंस में मैच होना है, इंडिया बिल्कुल वन साइडेड आपको लग रहा है इंडिया नहीं, वन साइडेड होगा। यार देखो, कह सकती हूं विद कन्विक्शन, गयाना में मैचेस है और गयाना में स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, अब तक हमने देखा है। और इंग्लैंड की बैटिंग में अगर आप सिवाय, अगर मैं फिल सॉल्ट और जॉर्ज बटलर को छोड़ दूं, जिस तरीके से वो कल भी आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, मिडिल ऑर्डर तो मुझे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं देता। अगर आप ये बात करते हो इंडिया की के ओपनर्स नहीं चलते, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर एटलीस्ट चल तो रहा है, और आज ओपनर्स ने भी थोड़ा थोड़ा इंजन गर्म हुआ है। लेकिन ओपनर्स आपको अकेले मैच नहीं जिता सकते ना। हमारे लिए, हमारे लिए क्या कहते हैं यार, सारा मैच नहीं ना हमारे लिए। अगर आप देख लें, हार्दिक भी है, बीच में शिवम दुबे भी अच्छा कर रहा है, सूर्या ने भी अच्छा किया है, ऋषभ पंत इज डूइंग वेल, सो पूरा टोटल टीम एफर्ट लगता है आपको। सो स्पिनर्स बीच में मिडिल ऑर्डर में उनके अच्छे खेल नहीं पाते। कल भी हमने देखा जॉनी बेस्टो, केशव महाराज से आउट हो रहे हैं, महाराज बीच में आके ख़त्म कर दे रहा है। लिविंगस्टन को अगर फुल टॉसेस मिल गई तो रन बन जाएंगे, वरना रन बनते नहीं है। सो अगर इंग्लैंड आती है, हाँ ये बात ज़रूर है कि आपकी बॉलिंग फिर वहाँ पर वो उन एरियाज़ में आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, जो हमने अक्सर देखा है बड़े मैचेस में आप भूल जाते हो वैसे बॉलिंग करना। सो सारा कुछ डिपेंड इसी पे करता है कि भाई आप अपने पोटेंशियल पे जो अब तक खेलते हुए आए हो, अगर वैसी ही परफॉर्मेंस देते हो तो इंग्लैंड को वन साइडेड हरा सकते। यू मीन टू से प्रेशर में फ्रीली खेल सके हम? हाँ, प्रेशर अगर नहीं लेते। ये है जी ग्रुप 2, यहाँ पे साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे चल रही है अभी, और साउथ अफ्रीका मोस्ट प्रोबेबली थ्रू होने वाली है। हाँ, अगर वेस्ट इंडीज ने भारी मार्जिन से हरा दिया और इंग्लैंड की भी नेट रन रेट उससे ऊपर होगी साउथ अफ्रीका से, तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड अंदर आ जाएगी, साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच में। एनी विच वे मुझे लग रहा है इंग्लैंड 2 पे ही खत्म करेगी। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट आप सारे कॉन्फिडेंट है। अगर कहीं पर यह हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और इंडिया सेकंड पे फिनिश करेगी, अब आपका मैच जो होगा सेमीफाइनल का, क्योंकि इंडिया ग्रुप वन में 2 पे फिनिश करेगी, फिर ग्रुप 2 में जो 1 होगा या साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, इसमें आपको कौन फेवरेट लग रहा है? आपके इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले कर लेते हैं इन सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। इंडिया होगी, वेस्ट इंडीज हुई तो वेस्ट इंडीज निकल जाएगी हमारे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में इंडिया सबको इंडिया ही लग रही है। इंडिया वर्सेस मतलब आपको एक ही मैच लग रहा है। हाँ 51-49 पास का है। भला साउथ अफ्रीका अगर इंग्लैंड आता है I will go with India 80-20। मैं कहता हूँ 90-10 ले लो मेरे तरफ से, जैसा इंग्लैंड खेल रहा है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका में से कोई भी एक आता है, वो मुकाबला बहुत ज्यादा पास का है। आज बांग्लादेश वाला मैच देखो, बांग्लादेश की बॉलिंग थोड़ी वीक थी, एक लौता गेंदबाज जिसने हमारे सामने किफायती बॉलिंग की, हमें परेशान किया, तानजीम हसन शाकिब। और साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वो मोस्टली डिपेंड करती है अपने तेज गेंदबाजों पे, और उनके स्पिनर्स भी उतने ज्यादा खराब नहीं है। तो हमारी बैटिंग शायद व्हाट आई फील कि साउथ अफ्रीका के सामने शायद एक्सपोज हो सकती है। आजो। पर वेस्ट इंडीज से मुझे क्यों डर लग रहा है, बिकॉज वेस्ट इंडीज की ना, जिस तरह से हम आप भी हमेशा कहते हैं, वेस्ट इंडीज का पता नहीं किस दिन वो कुछ भी कर सकते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। और अफ्रीका की बॉलिंग से मैं डरूंगा। हाँ, दो चीजें, एक अगर साउथ अफ्रीका आती है तो मेरे लिए 49-51 नहीं है, मैं कहूंगी कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वी स्टैंड द एज मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज साउथ अफ्रीका के सिर्फ और सिर्फ अगर एक इंसान आप मुझसे पूछोगे जो मुझे डेंजरस लगता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटायर गेम, इट्स QDK। उसके अलावा आई डू नॉट सी अ फियर फैक्टर फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यस, हेनरी क्लासन के ऊपर नहीं मैं उठा सकती हूं। साउथ अफ्रीका आपके लिए बहुत टफ मैच होगा। मैं वेस्ट इंडीज को कहूंगा प्रॉब्लम ये नहीं, वेस्ट इंडीज से पहले साउथ अफ्रीका आपके लिए बहुत टफ मैच होगा। और प्रॉब्लम ये है कि साउथ अफ्रीका में उनके लिए डिसएडवांटेज क्या है साउथ अफ्रीका वालों को, कि उनकी बैटिंग भी और बॉलिंग भी ज्यादा डीप नहीं है। वही 5 स्पेशलिस्ट है बॉलर, वही 5 स्पेशलिस्ट है बैटर, तो वहां पे वो फंसते हैं कि भाई अगर आउट हो गए तो क्या होगा। लेकिन क्वालिटी बहुत है, उनकी पेस की क्वालिटी बहुत है, उनकी स्पिन की क्वालिटी अच्छी है, उनकी बैटिंग की क्वालिटी वेरिएशन नहीं, क्वालिटी मतलब कि हर बैटर तगड़ा है, कोई भी बैटर ऐसा हल्का नहीं है उनके पास, चाहे वो क्लासन हो, चाहे वो मार्करम हो, चाहे वो मिलर हो, चाहे वो स्टब्स हो, और चाहे वो QDK हो, सारे के सारे बैटर्स उनके तगड़े हैं। तो ऑन अ गिवन डे अगर 2-3 भी चल गए ना, काम खत्म कर सकते हैं। इवन उनके बॉलर्स, सेम गोज फॉर उनके बॉलर्स, मार्को येनसन हो गए, रबाडा हो गए, केशव महाराज हो गए, नोकिये हो गए, जितने भी उनके बैटमैन भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, जितने भी उनके बॉलर हैं सारे ऑन द मनी बॉलिंग करा रहे हैं और बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका इज डेंजरस। वेस्ट इंडीज के लिए बस वही बात है, मेरे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस टीम इंडिया के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज कुछ भी कर सकती है। अफ्रीका के लिए एक पॉइंट और है कि अगर आप बॉलिंग की बात कर ही रहे हो ना, देखो इनकी बॉलिंग ने हमारे बैटर्स के अगेंस्ट अच्छा किया है। रबाडा की बात करें, उसके स्टार्ट बड़े अच्छे हमारे बैटर्स के अगेंस्ट, कि परेशान करता है हमें कि थोड़ा बहुत उसको वहां पे बाउंस मिल जाए। और बाय द वे आपको देखो, जब साउथ अफ्रीकन बॉलर आपके सामने आते हैं तो बड़े स्टेज में, जैसे आप गए थे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, हालांकि फॉर्मेट मिक्स करने वाली बात है, बट आपके बैटर्स बहुत ट्रबल कर गए थे, बहुत ट्रबल हो गए। मार्को येनसन की बात करें, लेफ्ट आर्म पेसर, फिर से लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट तो दुनिया जानती है आपके क्या स्टैट्स हैं। आनिश नॉर्किया विद द पेस बाउंसर्स मारेंगे, थोड़ा परेशानी में रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, और हमेशा हम कहते हैं कि बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जितवाती है। अगर इंडिया के मुकाबले में किसी की बॉलिंग अच्छी है तो वो साउथ अफ्रीका ही है। वेस्ट इंडीज में भी आप चाह के ना कमी ढूंढी दोगे कि बॉलिंग नहीं है, बैटिंग तो उनके पास बहुत सॉलिड है, उस लेवल की नहीं है। भाई वेस्ट इंडीज की गेम पता कैसी है, चले तो अर्श पर, फिर फर्श पर, नहीं चली ना तो बिल्कुल ही घुस जाएगी। आपको वेस्ट इंडीज ने वैसी फील्डिंग ना पूरे टूर्नामेंट में नहीं है, किसी की नहीं है। और उनके 11 के 11 खिलाड़ी ऐसे हैं ना जो साउथ अफ्रीका को टफ फाइट दे सकती है। और प्लस साउथ अफ्रीका को प्रेशर गेम्स खेलने की आदत भी पड़ गई है इस टूर्नामेंट में। मुद्दे की बात अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन निकालें ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराए ही और इंडिया नंबर 1 पर ही जाए, ताकि आपका इंग्लैंड से मैच हो। इसके 2 कारण, एक तो कारण जो हम सबके हिसाब से इंग्लैंड आपके लिए सबसे इजी होगा अगर सेमीफाइनल में आता है, दूसरा 27 तारीख को गयाना के अंदर बारिश के भी चांस है। इन केस आप ऑस्ट्रेलिया से हारोगे तो नंबर 2 पर खत्म करोगे, उधर से नंबर 1 भला साउथ अफ्रीका है, भला वेस्ट इंडीज है, उन दोनों की भी बाप सबसे बड़ी विलन बारिश खड़ी है। और उस दूसरे सेमीफाइनल का कोई रिजर्व डे नहीं है, आप बारिश के बलबूते पर बाहर हो जाओगे तो नई चीज हो जाएगी, बिकॉज नंबर 1 टीम क्वालिफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई। एक बात मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, जैसे पिछली बार भी हम बोल रहे थे और ओडीआई वर्ल्ड कप में तो लग रहा था कि भाई हम ही जीत रहे हैं, क्या हम फिर से ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको हरा के कुछ गलत पिक्चर हमें मिल रही है, या वाकई ही इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है? बिकॉज अगेन वही वाली बात आ जाती है कि आर वी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि हर बार हम यही करते हैं कि भाई फेवरेट से हम शुरू करते हैं, हर टूर्नामेंट में हम ही फेवरेट होते हैं, बाद में जाके हमारी ऐसी की तैसी। लेकिन पता क्या है, हम ये सवाल भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जीते नहीं, क्योंकि अगर आप देख लो जिस तरीके से हम ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे थे, लग ही रहा था कि भाई बस ट्रॉफी देने वाली बात है, वरना कौन हमें हराएगा। लेकिन वहां पर हार गए। अब यही डर है कि भाई खेल तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप में तो यार देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने साउथ अफ्रीका को हराया था, सबको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, आपने न्यूजीलैंड को हराया था। यहाँ तो आप खेली अफगानिस्तान, यूएस से, वो आई नहीं ना आपके सामने उस तरीके से, वो टीम आई नहीं अभी सामने। लेकिन परफॉर्मेंस तो अभी भी देखो उसी तरीके की आ रही है जैसे आप ओडीआई वर्ल्ड कप में खेले थे। हाँ, ऑपोजिशन आपको अभी तक वो उस तरीके की टक्कर का मिला नहीं, हल्का मिला। वो 24 तारीख को देखने वाली बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से आप खेल रहे हो, जैसा आपकी टीम क्लिक कर रही है, आज भी रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हमें 50s और 100 नहीं चाहिए भाई, सारे प्लेयर्स अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे बैटर्स और इक्वली प्रेशर बना रहे हैं ऑपोजिशन पे, तो वो अच्छी चीज है। और हम एक टीम की तरह खेल रहे हैं, टीम एफर्ट है। तो जैसा आप खेल रहे हो, आप देखो बीच बीच में इसी वर्ल्ड कप में हमें देखा कि प्रेशर भी जब हमारे ऊपर पड़ा तो हमारी टीम वहां से निकली भाई। सीधी बात यह है, प्रेशर पड़ा बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अरे यार, आज तो पाकिस्तान वाला गेम, बॉलिंग पाकिस्तान वाला गेम गिफ्ट हुआ है आपको, जो हमारे हाथ से जा चुका था। आपके ऊपर पहली बार प्रेशर पड़ा था और आप कोलैप्स कर गए, बैटिंग से कर गए थे सर जी, बैटिंग से कर गए थे। तो और गुरुदेव हमारी बॉलिंग की जहां तक बात है, उस दिन आप बॉलिंग से भी हार ही गए थे। एक अकेला बुमराह ने बचा लिया और वहां पे उनकी बैटिंग इतनी घटिया और लानती कि वो आपको मैच दे गए। अदरवाइज एक जो सच में प्रेशर पड़ा था ना आप पे, आप उसमें खत्म होके रह गए थे।